અને હવે નજર કરીએ વડાપ્રધાનની વતન વાપસી પર તો દિલ્હી એરપોર્ટ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ત્રણ દેશની ભવ્ય યાત્રા સંપન્ન કર્યા બાદ પરત ફર્યા છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓએ નિવેદન આપતા કહ્યું કે વિશ્વમાં હિન્દુસ્તાનના સામર્થ્યની વાત કરું છું આંખો મિલાવીને દુનિયા સાથે વાત કરું છું આ સામર્થ્ય પૂર્ણ બહુમતીની સરકારના કારણે જ પ્રાપ્ત થયું છે દુનિયામાં જનતાના પરાક્રમના હું ગીત ગાઉં છું ભારતમાં G20ના આયોજનથી G7 અભિભૂત થયું હોવાનું પણ નિવેદન તેઓએ આપ્યું અને સાથે એ પણ કહ્યું કે ગુલામીવાળી માનસિકતામાં ના ડૂબશો દુનિયા ભારતને સાંભળવા આતુર છે અને હું કઈ બોલું છું તો દુનિયા તેની ઉપર વિશ્વાસ પણ કરે છે હિરોશિમામાં ગાંધીજીની પ્રતિમા એક ગૌરવશાળી બાબત હોવાનો ઉલ્લેખ પણ તેઓએ કર્યો છે અને સાથે એ પણ કહ્યું કે વિશ્વની સૌથી જૂની તમિલ ભાષાનું ગૌરવ પણ મને છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતીયો પ્રત્યે લોકતંત્રનું વાતાવરણ હોવાની વાત પણ તેઓએ કરી અને કહ્યું કે ભારતની વેક્સિને વિશ્વમાં અનેકના જીવ બચાવ્યા અને પડકારને પડકાર આપવો એ મારો સ્વભાવ છે જોકે વિશ્વની ભારત પાસે અપેક્ષાઓ વધતી હોવાની વાત પણ તેઓએ પોતાના ઉલ્લેખમાં કરી કે આપ હી કી પરંપરા હૈ मैं तो दुनिया में जाकर के सब आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खील उठता है भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं आंखें मिला करके दुनिया से बात करता और ये सामर्थ्य क्यों आया है ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं आज हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है और क्यों कम है वो तो समय बताएगा जो भी नेता मिलते थे खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया स्वागत किया ये जो वहां बताया है उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है हम बहुत अभिभूत है कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली हिरोशिमा की धरती जहां पर
मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं जी। मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है, ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। और जब मैं पीएनजी में वहां के गवर्नर, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन्होंने तमिल भाषा का महान ग्रंथ तिरुकुरुल का पीएनजी की भाषा में भाषांतर किया और उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला, आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की इस महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है। ऑस्ट्रेलिया, उसके संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव के दिन देखे हैं देश ने, लेकिन वो देश आज भारत को अपना मानता है, भारत को सम्मान से देखता है और वो भारत के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ करके देखता है। ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं देख रहा था कल, जब मैंने देखा कि पूरे ओपेरा हाउस पर हिंदुस्तान के तिरंगे रंग की रोशनी करके उन्होंने भारत को सम्मानित करने का बहुत ही उम्दा प्रयास किया था, और भारतीय समुदाय का जो समारोह था, हिंदुस्तान के लोगों ने उसको देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं, हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं, और इसी भाव को लेकर के विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है। लेकिन साथियों, अब चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है।